राजौरी टाउन के सभी शहरवासियों को माई टाउन माई प्राइड के इस जो कल शुरू होने जा रहा है उस मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। और आपके ज़रिए से मैं सबसे अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं हमारी पूरी 17 वार्ड्स के, उनका कोई भी अगर किस तरह का कोई इशू है उसको सुनने के लिए यहाँ पे हमारे डाक बंगलो राजौरी में कल 11 बजे से 4 बजे तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो बैठ रहे हैं, और उसको सुपरवाइज़ करने के लिए हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम सरिता चौहान जी यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं, और वो उनकी अगुवाई में उनकी सरबराही में यहाँ पे जितने भी लोगों के पब्लिक के छोटे इश्यूज़ हैं या कोई बड़े मसाइल हैं वो यहाँ पे सुने जाएंगे, और वो सारे मसाइल सुनकर हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उस तक पहुँचाए जाएंगे। और मेरी ये ज़ाती तौर पर लोगों से ये अपील है कि आप कल 11 बजे वहाँ पे डाक बंगलो राजौरी में तशरीफ़ लाएँ। आपका चाहे डोमिसाइल्स का कोई इशू है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई इशू है, आपकी पेंशन का कोई इशू है, आपका कोई PHE बिजली या वर्क डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड कोई इशू है, आपका इसके अलावा हमारे जितने भी अपने यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद होंगे, और स्पॉट्स पे ही वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। आपके सारे जो ग्रेवेंसेस जो हल होने वाले हैं, जिस तरह से आधार कार्ड का किसी का कोई मसला है या इस रिलेटेड कोई और इस तरह का कोई ज़मीन का कोई रेवेन्यू का कोई मसला है, किसी की गिरदावरी लगनी है या लगानी है, ये सारे मसले कल वहाँ पे सुन के स्पॉट पे ही हल किए जाएंगे। इसके अलावा मेरी ये अपने यहाँ के शहरवासियों को हमारे 17 काउंसलर्स की तरफ से भी मुबारकबाद है कि हमारे जिस तरह से बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलता था और राजौरी के जितने भी हमारे यहाँ पे लोग शहरी थे उनको ये था कि हमें भी सुनने के लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदा आए। तो कल उसी कड़ी का जो पहली बार हमारे जो 2020 में कल माई टाउन माई प्राइड का 1920 को रखा गया है उसमें ये सारे इश्यूज़ कल 10 बजे से सुनने अपने यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। पहला हमारी जितने भी हमारे काउंसिल्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के ऑफिसर्स हैं और उसके साथ हमारे जो शहर के सोशल एक्टिविस्ट हैं ये सारे बैठ के तो अपने इस शहर के बारे में 3 घंटे के प्रोग्राम में तबादला ख्याल करेंगे, और उसके बाद फिर 11 बजे से ऑनवर्ड जो बाहर हमारे जो डाक बंगलों के अंदर वहाँ पे इंतज़ाम किया गया होगा वहाँ पे सारे पब्लिक के लिए है, और पब्लिक का वहाँ पे पहुँचना और अपने इश्यूज़ को वहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है, और हमारी यही कोशिश है कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शहर के लोगों को है लेकिन उसके लिए सरकार तक बात नहीं थी पहुँच रही। आज ये मौका है जिसको हमें इस्तेमाल करके सरकार के तक हमारी ये अपनी जो बातें हैं वो पहुँचानी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कुछ लीगल्स इशू हैं, कुछ डेवलपमेंट्स के इशू हैं, कुछ यहाँ पर हमारे सिस्टम्स के इशू हैं जो सरकार तक पहुँचाने बहुत ज़रूरी हैं, और सरकार का जो नुमाइंदा यहाँ पर आएगा उसको हमारे यहाँ के लोग और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमें क्या करना चाहिए और सरकार हमें उसकी तरफ क्या हमें मदद करे, और उसके अलावा हमारे जिस तरह से म्यूनसिपलिटीज़ है म्यूनसिपलिटीज़ की एसेट्स की या म्यूनसिपलिटीज़ के जो कामकाज की बेहतरी कैसे हो सकती है और सरकार से हमें उस मसले में क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, इस तरह के हर पहलू पे वहाँ पे बात होगी। ये 2 दिन का टाइम है 1920 का, और यहाँ पे अगर लोग यहाँ वहाँ पे पहुँचेंगे या अपनी बात रखेंगे, काउंसलर्स तो अपने लेवल पे सारे एफर्ट्स करेंगे ही लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे तबके हैं जो मतलब जिनको ज़रूरत है, जिनकी कुछ मसाइल्स हैं जो सरकार तक जाने ज़रूरी हैं, और मेरी ये खास तौर पर इस वक्त यही तो अपना कोशिश है कि वो वैसे हमारे सारे लोग कल इस प्रोग्राम में शमूलियत करें और वहाँ पर अपने अपने मसाइल अगर किसी के मोहल्ले के हैं किसी की वार्ड के हैं वो भी लाएँ। जिस तरह से किसी की वार्ड में अगर कोई बिजली को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर वहाँ पर रास्ते को लेकर प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर कोई साफ़ सफाई के मसले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस वक्त सुनने के मूड में है और सरकार सुनकर इन मसलों को करने के मूड में भी है। तो एक यहाँ पे लोगों के अंदर एक खुशी भी है लेकिन अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई चीज़ इस तरह से कोई मॉगरिंग या र्यूमर्स अगर कोई झूठे फैलाता भी है कि बैक टू विलेज में कुछ नहीं हुआ और माई टाउन माई प्राइड में भी कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में उन चीज़ों पर आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहला जो हमारा जो ड्यूटी और जिम्मेवारी है वो ये है कि सरकार की तरफ से चलाया गया जो भी कोई प्रोग्राम होगा इसको हमारी जो दिल्ली सरकार है वो सीधे तौर पे मॉनिटर कर रही है और वो सीधे तौर पे सुन भी रही है। जो भी हमारे यहाँ से डिमांड्स और इश्यूज जो है वो सरकार के पास जाएंगे वो सारे इश्यूज जो है वो हमारे उनके लिए एक जिम्मेवारी बन जाएंगे कि हमने कौन से मसले उठाए थे, और फिर जब नेक्स्ट हमारा जो माई टाउन माई प्राइड का सेकेंड फेज आता है तो उसमें हमने जो पहला जो काम किए हुए हैं जब पहला जो काम हमने रखे हुए थे उसके बारे में हम सरकार को पकड़ भी सकते हैं और उनके साथ बात भी कर सकते हैं। शुक्रिया। बताएंगे कि कल से हमारा माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम
प्रोग्राम अभियान शुरू हो रहा है, उसके पहले हमने जन अभियान उसका शुरू किया था, जिसके लिए हमारा ये आज का दिन रखा गया। इसमें हम डिस्प्ले ऑफ स्कीम्स कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, और लोगों को बता रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, और आपने किस किस तरीके से इसके बेनिफिट लें। ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है जो कल से हमारा माई टोन माई प्राइड जो प्रोग्राम अभियान शुरू हो। माई टाउन माई प्राइड का जो प्रोग्राम है, उससे पहले जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक छोटा सा जन अभियान ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे टाउन हॉल में, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं अपने अपने स्टॉल्स सबने इंस्टॉल किए हैं, और इस स्टॉल्स के थ्रू जो जो सर्विस है आज से ही डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। पोषण अभियान का है, जैसे हमने आपको पहले भी किया था कि सितंबर में हमने पूरा अपना मंथ पोषण माह मनाया था, उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे पूरा अपना ये डिज़ाइन किया है पोषण माह। इसमें हम क्या करना है, बेनिफिशरीज को हमें प्रॉपर डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देनी है, जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें हमारा कैल्शियम हो, जिसमें हमारी प्रोटीन हो, जिसमें हमारा आयरन हो, सब कुछ हमें अपने बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करना है। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, हमारी लैक्टेटिंग मदर्स आती हैं, हमारे बेनिफिशियरी छोटे बच्चे हैं, इन सबको हमने बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है पोषण अभियान।